अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो, 17 फरवरी को सेकेंड सिटिंग में साइंस सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दिए हैं, तो इस वीडियो को देख करके आप अपना ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हैं। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं, कहता है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने में है, तो ऑप्शन होगा सी, हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। तो आप लोग कीजिए क्या कि आप अपने क्वेश्चन में खोजिए किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, कितने नंबर में मिलता है, और टिक कीजिए हार्मोन में। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा, ए आंसर होगा डार्विन। दो का सही ऑप्शन आपको हो गया, ए आंसर हो गया डार्विन। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, उसके बाद पानी में, उसके बाद कांच में होता है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी। तीन का सही ऑप्शन आपको डी, निर्वात में। अगला ऑब्जेक्टिव है कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए इसका मात्रक होता है वोल्ट होता है, ऑप्शन बी, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में जनन अंग जो है आपको पुष्प में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी, पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा मटर। तो छः का सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा एक दिशीय, यूनिडायरेक्शनल। अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 8 कह रहा है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। तो वायुमंडल के निचली सतह में पाया जाता है। तो 8 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा निचली सतह में। ऑब्जेक्टिव नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो देखिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा सिलिकॉन। 9 का सही ऑप्शन आपको डी। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। चार ऑप्शन आपके सामने में है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा K2SO4। 10 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा आयरन। अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 12 कह रहा है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा 7। ऑब्जेक्टिव नंबर 13, ऑब्जेक्टिव नंबर 13 है कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी में जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं वो होते हैं आपको क्षार धातु, तो ऑप्शन सी। ऑब्जेक्टिव नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा जीव धारी। ऑब्जेक्टिव नंबर 15 कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ऑप्शन बी। ऑब्जेक्टिव नंबर 16 कह रहा है कि तरंग दीर्घ को समानतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दीर्घ को समानतः जो है कि आप एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन डी। 16 का सही ऑप्शन आपको हो गया डी। ऑब्जेक्टिव नंबर 17 कह रहा है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा सूर्य। अगला ऑब्जेक्टिव है कह रहा है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो 18 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा 10। तिलचट्टे में श्वास रंध्र जो है आपको 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 19 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चार ऑप्शन आपके सामने में है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी हरे पौधे में होती है, ऑप्शन सी। 19 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव है कह रहा है कि फ्लोएम उत्को द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन डी। ऑब्जेक्टिव नंबर 21 कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा रंध्र। ऑब्जेक्टिव नंबर 22 कह रहा है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो देखिए चूहा का जो होता है 60 से लेकर के 100 तक होता है, और मनुष्य का जो होता है 72 से लेकर के 100। तो इस प्रकार से इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आदमी।
ऑब्जेक्टिव नंबर 23 कह रहा है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो देखिए अमोनिया का भी होता है, यूरिक अम्ल, यूरिया, तो इनका से ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा इनमें से सभी। ऑब्जेक्टिव नंबर 24 कह रहे कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा नेफ्रॉन। अगला ऑब्जेक्टिव है कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो होता है वो हरा होता है, तो 25 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा क्लोरोफिल। अगला ऑब्जेक्टिव है कह रहा है कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, तो पौधे में आपको गोंद भी उत्सर्जित होता है, टैनिन, रेजिन, ये सभी हो गया, तो 26 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा इनमें से सभी। ऑब्जेक्टिव नंबर 27 कह रहा है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के टेहरी जिले में स्थित है। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो ये आपको होगा ऑप्शन बी SO2, 28 का सही ऑप्शन आपको हो गया बी। ऑब्जेक्टिव नंबर 29 कह रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं, तो ये गर्म तार में लगाए जाते हैं स्विच, 29 का सही ऑप्शन आपको हो गया बी, आंसर हो गया गर्म तार। ऑब्जेक्टिव नंबर 30 कह रहा है कि कौन ओ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो देखिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा बायोगैस, ऑप्शन सी। ऑब्जेक्टिव नंबर 31 कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है, तो 31 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा उत्सर्जन से। ऑब्जेक्टिव नंबर 32 कह रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, अस्पर्शक, 32 का सही ऑप्शन आपको डी, आंसर हो गया अस्पर्शक। ऑब्जेक्टिव नंबर 33 कह रहा है कि एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा धारा। ऑब्जेक्टिव नंबर 34 कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो होता है, उसे हम कहते हैं विद्युत मोटर कहते हैं, और डायनमो जो होता है वो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो इनका सही ऑप्शन आपको हो गया बी, आंसर हो गया विद्युत मोटर। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि दर्पण का सूत्र होता है, तो दर्पण का सूत्र 1/V/U = 1/F होता है। अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देख सकते हैं 36 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है, तो अवतल लेंस के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नंबर 37 देख सकते हैं कह रहे कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। ऑब्जेक्टिव नंबर 38 कह रहे कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा डायोप्टर, ऑप्शन सी। ऑब्जेक्टिव नंबर 39 कह रहे कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा लाल। ऑब्जेक्टिव नंबर 40 कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा डिस्ट धारा। ऑब्जेक्टिव नंबर 41 तो कह रहा है कि 2H2+O2 2H2O है एक, तो ये आपको हो गया संयोजन अभिक्रिया, 41 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए, आंसर हो गया संयोजन अभिक्रिया। ऑब्जेक्टिव नंबर 42 कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है, तो ये आपको हो गया C6H12O6, ऑप्शन सी। ऑब्जेक्टिव नंबर 43 कह रहा है कि सोडियम के परमाणु की संख्या, तो देखिए सोडियम में परमाणु की संख्या 11 होती है, ऑप्शन ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 44 कह रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा अंतर्ग्रहण। ऑब्जेक्टिव नंबर 45 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, तो अभिकारक कहते हैं, ऑप्शन ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 46 कह रहा है कि टूथपेस्ट कैसा होता है, तो क्षारीय होता है, ऑप्शन बी, टूथपेस्ट क्षारीय होता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा ग्रेफाइट। ऑब्जेक्टिव नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिल समूह है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा COOH। तो यहाँ पर आपने सभी 48 ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जाना, कहीं कोई त्रुटि नज़र आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि रेस्ट बचे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का भी आंसर आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।